फ्रेंड्स, आज हमारा स्कूबी चला जाएगा अपने घर। इधर आजा। है स्कूबी, आप अपने घर चले जाओगे आज? हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के बज गए हैं 8:30। तो अभी फिलहाल मैं छत पर आई हूँ और मेरे पीछे देखिए बहुत सारे गमले दिख रहे हैं आपको। तो इन गमलों में मुझे डालना है पानी, तो चलिए फिलहाल इनमें पानी डालते हैं। और सूरज देखो कितना सुंदर निकला हुआ है आज, मतलब इतनी प्यारी कड़क धूप निकली हुई है ना, मतलब अच्छा लग रहा है। तो मतलब सर्दियों में धूप तो बहुत अच्छी लगती है। तो फिलहाल गमलों में पानी डालते हैं, धूप सेकते हैं और उसके बाद जाते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। तो फिलहाल गमलों में पानी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मैंने गमलों में पानी दे दिया है और छत पर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मस्त हवा चल रही है। बट बहुत ठंड भी लग रही है क्योंकि सर्दी का टाइम है ना, तो इतनी ज़्यादा ठंड भी मतलब ठीक है। पर हाँ, धूप में धूप लेनी बहुत ज़रूरी है यार। धूप नहीं लोगे ना तो अपने शरीर को जो आपका विटामिन D3 होता है ना, वो नहीं मिलेगा। तो यार कम से कम आधा घंटा आपको धूप में बैठना चाहिए अपनी बॉडी के लिए, अपनी सेहत के लिए। तो आप आधा घंटा ज़रूर निकालें, छत पर जाए, गमलों को पानी दें और इसी बहाने आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा और आपके गमलों की देखभाल भी हो जाएगी। तो आपके ये दो काम हो जाएंगे और आप छत पर आकर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एक्सरसाइज भी कर लें, तो आपको सारे काम आपके आधे घंटे के अंदर ही हो जाएंगे। तो आधा घंटा ज़रूर निकालें। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी ये टिप है ना, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो विटामिन डी ज़रूर ले, ये हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत भाग दौड़ में हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है अपने लिए कुछ भी करने के लिए। तो फिलहाल ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सिर्फ आधा घंटा ज़रूर निकालें अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, क्योंकि हम हैं तो दुनिया है और हम नहीं तो दुनिया नहीं। तो यार प्लीज़ अपना ख्याल रखें और धूप के मज़े लें बराबर। तो फिलहाल मैं भी आधे घंटे बैठती हूँ, आधे घंटे बैठने के बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी, तो धूप सेक लेते हैं और थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सबको बाय बोल दो। स्कूबी इधर देखो, इधर स्कूबी, स्कूबी बोलो बाय, बाय कर दो, बाय सेकंड कर दो, सेकंड सेकंड कर दो, सेकंड 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 कर दो, सेकंड 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 गया था ना, सेकंड स्कूबी सेकंड करो, सेकंड स्कूबी सेकंड, ये मेरा स्कूबी। सबको बाय बोल दो, बोलो मैं जा रहा हूँ अपने घर। ये नहीं बोलेगा, ये गूंगा है। सो जा, सो जा, सो जा मेरा बच्चा, ले शाबाश बच्चा, अरे स्कूबी से मजे ले रही है ये, सोना। ओए हगेगा क्या? पूछ उठा रहा है। बुरा हो रहा है क्या? इसके बाल सफेद हो रहे, काले वाले की। ओए स्कूबी, नो 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 नो, बैटमैन नो नो नो, स्कूबी सू करेगा, सू आज नहीं बोला, मेरे को मारूंगा तुम्हें, थप्पड़ खींच के। ए क्या है, मुझे क्यों छेड़ रहे हो? है स्कूबी, मुझे नहीं छेड़, सुनो मान जा, मुझे तो पिट जाएगी। इधर बैठेगा, इधर जंप करने वाला है, इधर बैठेगा, ऊपर बैठेगा, ऊपर बैठे कर ले, बैठ जा, आजा आजा आजा, चल आजा, जंप स्कूबी, जंप जंप स्कूबी, जंप 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 स्कूबी, जंप 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 जंप, गेट अप, कम 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 कम, आजा स्कूबी, कम 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 कम, चल ऊपर, कम कम कम, जंप जंप स्कूबी, जंप जंप कर दो, जंप जंप जंप, 1 2 3 1 2 3 स्कूबी जंप जंप, आने की कोशिश कर, जंप 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 जंप, वेरी गुड वेरी गुड, कम कम कम, जंप जंप जंप, मेरी झंड कर दी तूने, जा सुबह, सुबह आजा बेटा,
नहीं आऊंगा, क्या कर लेगी है? अरे नहीं आजा बेटा, ऐसे कैसे आ जाऊं, कुछ जाओगे खाने के लिए तभी तो आऊंगा। अरे नहीं मेरे पास कुछ नहीं है बेटे, हड्डी खाएगा हड्डी। पावर हड्डी के लिए पूछती देती तो है नहीं है स्कूबी। स्कूबी क्या कर दी? ये देखो, ये देखो सब मेरे को देख देख के हंस रहे हैं, बेमतलब में देखते रहना बस। मार दूंगा कोई मेरे पास सामने नहीं हो ना। ए सोना मान जा। ए ये देखो ऊपर जाके बैठ गए, ये देखो ये सोना है बदतमीज है, ये देखो छेड़ रही है मुझे। और ए सोना मान जा, मारूंगा तुझे खा दूंगा। ए इसको सोना बदतमीजी मत कर। पापा कहाँ बैठे? सुन स्कूबी पापा कहाँ पे? पापा कहाँ हैं? मुझे बात नहीं करनी पापा से, ऊपर जाके बैठे हैं यहाँ, ये पापा बैठे हैं, मुझे नीचे बिठा दिया है। स्कूबी कम 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 स्कूबी, क्या बदतमीजी कर रही है भाई? सोना स्कूबी देख ले, सोना को देख ले, देख पिटेगी सोना तू, जल्दी आ जा, आ देख लूंगा तुझे। बड़ी बदतमीजी कर रही है, आ जा देखूंगा तुझे। स्कूबी हाँ सोना मान जा, पिटेगी तू। बाबा चिढ़ा रही है मेरे को, देख लूंगा तुझे। आ रही है, सुन रही है, सुन रही है, मारेंगे इसको, मारेंगे। कमेंट्री करो उसके साथ। आ जाओ आ जाओ, अब कम हो गई है। भर गया तूने, बता बंद नहीं किया सोना, स्विच बंद कर जल्दी। बंद कर दे बेटा, बंद कर दे, कर दिया बंद करो वो बटन, पानी भर गया, कर दिया। स्कूबी डाला लाला, स्कूबी डाला लाला, स्कूबी। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है 1:01 है, हमारा स्कूबी जो है बालकनी में से छाप झाक रहा है। स्कूबी वहां कहां जा रहा भाई? स्कूबी काम काम काम, कहां जा रहा? नहीं बेटा आपको आपको पहचानने की कोशिश कर रहा है बेटा वो, अब आपको काटेगा, देखो सूंघेगा तो काटेगा नहीं। अरे वाह सोना, पहचान लिया सोना को, ये तंग करी हो, इसको तंग नहीं करना ठीक है, आ जा उसको पहचान ले, उसको तो काट ले अच्छे से। स्कूबी नहीं ना, नो 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 नो, कुछ नहीं है बेटा मेरे पास। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा स्कूबी है वो छत पर, इसलिए हमने उस चेन में बांध के रखा, क्योंकि छत है 4th फ्लोर पे, कहीं वो जंप ना कर जाए, इसलिए हमने उसको चेन में बांध के रखा हुआ है। घर में भी इसलिए बांध के रखते हैं क्योंकि ये घर में ना उछल कूद करता है, चीजें काटने लगता है। हमारे घर में काफी चीजें इधर रखी गई है जो ये नुकसान कर सकता है, क्योंकि ये हमारा डॉगी नहीं है ना, किसी हमारे रिश्तेदार का डॉगी है, इसलिए कभी पता नहीं हमारे घर में कौन सी चीज कहाँ है, कहाँ क्या करना है, उसको छूना है नहीं छूना है। चल इधर आजा बैठ जा। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर के बज गए हैं 3 और हमारा लंच वगैरह हो चुका है, और गाइस आज स्कूबी ने बहुत मस्ती करी। और गाइस जो स्कूबी है मेरे जो भाई है, तो उसका पैट है वो, तो वो कुछ दिनों के लिए मेरे घर पे लेके आया था, तो वो फाइनली आज लेके चला गया है, तो उसके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पर घर तो उसका वही है ना, तो उसको जाना ही है। पर जो जितने भी दिन हो रहा ना हमारे साथ, हमने खूब मस्ती करी, खूब मज़ा आया, मतलब उसके साथ बहुत अच्छा लगा हमें। और आने वाले टाइम में हम भी सोच रहे हैं कि एक पैट लेकर आएंगे, अब वो पैट क्या हो सकता है वो ये नहीं पता, बट सोचेंगे कि हम भी अपने लिए एक पैट लेकर आएँ। और गाइस जितने भी पैट्स होते हैं ना, जितने भी मतलब जो चाहे गली में हो, चाहे रोड पर हो, कहीं भी हो, प्लीज़ उनको कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर दें, क्योंकि वो ऐसे प्राणी है जो बोल नहीं सकता, जो अपनी फीलिंग्स को नहीं बता सकता कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या खाना है। तो मतलब आप प्लीज़ अपनी मर्जी से उसको चाहे एक बिस्किट दे के आ जाओ, कुछ भी दे दो, मतलब कुछ तो दो उसको। तो यार वो भी एक इन, अब जैसे हम जी रहे हैं वैसे वो भी जी रहे हैं, तो वो भी एक प्राणी है। तो प्लीज़ जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी भी आप केयर करें, उनको भी कुछ खाने पीने के लिए ज़रूर दें। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, मेरे लिए नहीं
डॉग्स के लिए, तो प्लीज लाइक कर देना। आई होप आपको मतलब मजा आ गया हो व्लॉग में। तो यार अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, मैंने सर अभी मैंने सर में ऑयलिंग कर रखी है, मैंने एक न्यू हेयर ऑयल बनाया है जिससे हेयर फॉल होता है तो वो कंट्रोल हो जाता है। तो अभी मैं इस पर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, अभी मैंने इसको फर्स्ट डे लगाया है। और अगर ये कामयाब रहा तो मैं आपको इसका जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि किस तरीके से बनता है और कैसे वर्क करता है आपके बालों में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर ये सच में काम किया ना तो मैं पूरी इसकी रेसिपी है वो सारी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हेल्दी रहे, खुश रहे और विटामिन डी ज़रूर लें। बाय फ्रेंड्स।